उन लोगों के हर नेता का नाम मैं बोलने का जरूरी नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता, खासकर हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने आप लोग सब जानते हुए, और इस जलसा में 4-5 घंटे से भगर पानी सब छोड़कर ये जलसा को कामयाबी करने के लिए हमारे मुसलमान भाइना हमारे भाइयों ने 5 घंटे से यहां बैठा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को माइनॉरिटी भाइयों ने कितना प्यार करते हैं, कितना मदद देते हुए यहां इंदिरा पार्क धरना चौक में देखे तो पता लगेगा। भाई, जलसा का मतलब कोई चुनाव नहीं है। इस जलसे में हमारे कांग्रेस पार्टी वरिष्ठ नेता गण आप लोगों को वोट मांगने के लिए जलसा नहीं बनाए। ये जलसा बनाए इसीलिए ये देश को आजादी दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे कुर्बानी ने दिए। लोगों का तरक्की होगा या माइनॉरिटी तरक्कियों के लिए तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन ने दिए। हम लोगों ने जब शब्बीर भाई ने कहा होम मंत्री गृह मंत्री किस किस को बनाए, इस देश का सबसे बड़ा सबसे ऊंची कोई देश के पहला पर्सन होते प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति बार बार मुसलमान भाइयों को हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, मुख्यमंत्री बनाए हर जगह में। मैं ये बात कहना चाहता हूं सब लोगों को, मैं ये सब लोग हमारे भाई भी मंच से बोल रहे भाई आप लोगों को, आप लोग कांग्रेस पार्टी को मदद दो। मैं उसके एक कदम आगे बढ़कर मैं ये बोलना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी आपकी है, ये आपका अमान है, ये आपका इज्जत है, ये आपका जगह है, आपका शान है। ये कांग्रेस पार्टी दूसरों का नहीं है, आपका मदद जरूरी नहीं है, आपके शान को बचाने का वजन उठाने का आपका जिम्मेदारी है। आप ये जिम्मेदारी छोड़कर कभी अच्छा दिखा बोल के अम्बेसडर में बैठे, कभी अच्छे मिला बोल के अच्छे दिखा बोल के पतंग लहराने का निजाम सरकार ने चलाया था हैदराबाद स्टेट। ये हैदराबाद स्टेट को ये टुकड़े ले जाके कर्नाटक में डाले, दूसरे टुकड़ा ले जाके महाराष्ट्र में जमा कर दिए, तीसरा टुकड़ा आंध्र प्रदेश में मिला है। 70 साल सरकार चली, ये 70 साल में अपने भला के लिए अपने हैदराबाद जो निजाम नवाब ने जो छोड़कर चला गए उनके निशाने उन जो उम्मीद रखकर जो आंध्र प्रदेश में मिला है वो उम्मीद पूरी नहीं हुए। इसीलिए हमारे बच्चा हमारे नौजवानों नौकरी के लिए इज्जत के लिए हैदराबाद तरक्की के लिए कुर्बानी दिए तो ये और आगे कुर्बानी कोई नौजवान कुर्बानी नहीं देना। अगर तेलंगाना में 4 करोड़ लोगों के लिए उनके भला के लिए तेलंगाना प्रदेश बनाए तो ये तेलंगाना प्रदेश में हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने उनके हमारे माइनॉरिटी भाइयों ने आप लोग सोचो, आप लोग चर्चा करो, गली में चर्चा करो, मस्जिद में चर्चा करो, दरगाह में चर्चा करो, दर्जा से प्रगति भवन में चर्चा करो। जब जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में था
तब तब हमारे माइनॉरिटी भाइयों का तरक्की चला। 7 साल हो गए तेलंगाना हासिल कर लेके। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, इस मंच से 4% रिजर्वेशन दी कांग्रेस पार्टी ने, ये 4% रिजर्वेशन दिलाने के लिए गुलाम नबी आजाद साहब ने कितना कोशिश किए। हमारे बीच में है सो हमारे बड़े भाई शब्बीर अली साहब ने कितना मेहनत किए, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं मैं। जिस दिन राजशेखर रेड्डी साहब ने मुख्यमंत्री था, तब दलित से भी, दलितों से भी बहुत गरीब में ये मुसलमान भाइयों जी रहा है, उन लोगों के लिए पढ़ाई में, सरकार नौकरियों में अगर रिजर्वेशन दिए तो आपके लड़का लड़की डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लायर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, ये देश को चलाए। तो आप खाली कांग्रेस पार्टी को और किसी को मोदी के खिलाफ मोदी से टक्कर लेने का ताकत खाली कांग्रेस पार्टी को है। ये तेलंगाना से अगर आप लोग 10-12 एमपीओं को कांग्रेस पार्टी को जिता के दिल्ली भिजाए तो आपके आवाज बनकर, आपके दिल के धड़कन बनकर हम लोग आपके तरफ आवाज उठाते थे। मगर छेवल्ला पार्लियामेंट में 10-12 हजार से कांग्रेस पार्टी को हराए। जहीराबाद में आप लोग मदद देने के बावजूद भी 4,000 वोट कम मिले, वहां पर भी अपना कांग्रेस पार्टी के एमपी हार गए। मैं ये बात पूछना चाहता हूं, जहीराबाद तो छोड़ो, छेवल्ला का मैं बात करना चाहता हूं, जिगर उठाना चाहता हूं। अब पूरा वोट निकालो, पूरा छेवल्ला, तांडूर, परगे, विकाराबाद, छेवल्ला, हर जगह में कांग्रेस पार्टी को मेजॉरिटी वोट मिले। मगर हैदराबाद में घुसते ही महेश्वरम, राजेंद्र नगर में टीआरएस को वोट मिले, मेजॉरिटी मिले। मैं पूरा आपका जायजाद और किसी ने कब्जा कर लेगा, ये जायजाद को आप लोग बचा लेना है। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लिए सत्ता कोई नया नहीं है। 50-60 साल कांग्रेस पार्टी सत्ता में थे, आने वाले दिनों में भी फिर दोबारा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगा। मगर माइनॉरिटी, हमारे बच्चों को, भाइयों को, माइनॉरिटी लोगों को बचाने के लिए हम लोग कोशिश करना है। हम सरकार बैठने में आपका मदद का जरूरी नहीं मांग रहे। अगर हम लोग अपोजिशन में बैठने के लिए 150-200 सीट लेने तो हम मोदी को जो शासन लागू कर रहे हैं पार्लियामेंट में, ट्रिपल तलाक के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ, सिटीजन अमेंडमेंट के खिलाफ, ये सब शासन लागू करने के लिए पार्लियामेंट में मोदी कोशिश किए तो अगर हमारे जेब में, कांग्रेस पार्टी के हाथ में 150-200 अगर एमपीआर रहे तो इतना हिम्मत मोदी जी करता था क्या, आप लोग सोचो। आप लोग ये समझ रहे कि भाई हम केसीआर को वोट दे रहे, भाई हम असद साहब को वोट दे रहे, और कहीं गए तो जगनमोहन रेड्डी साहब को वोट दे रहे, और कहीं गए तो समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, पूछते ही महेश्वरम, राजेंद्र नगर में टीआरएस को वोट मिले, मेजॉरिटी मिले। मैं पूरा बूथ देखे, बूथ के हर एक बूथ का हिसाब मैं देखा, जहां जहां हमारे माइनॉरिटी भाइयों है वहां वहां केसीआर साहब को वोट मिले। तो मैं माइनॉरिटी भाइयों, बहुत सारे दोस्त हैं मेरा, बचपन के भी दोस्त हैं, मैं उन लोगों को बुला लिया, अरे भाई क्या किए, ये एरिया में आप लोग अगर कांग्रेस पार्टी को मदद देते तो कांग्रेस पार्टी का एक एमपी बनता था। तो वो लोग बोल रहे थे भाई हम क्या करें, असद भाई ने कहा
हम लोग वोट दिए। असद भाई ने ये कहा कार के स्टीयरिंग मेरा हाथ में, हमारा भरोसा असद भाई के ऊपर था, असद भाई के भरोसा केसीआर के ऊपर थे, इसीलिए हमारा वोट हम उधर दिए। मैं दूसरे सवाल पूछा, सही है भाई कार का स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में है, असद भाई को केसीआर के ऊपर भरोसा है, ये सब सही है, मगर जब पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक के बिल आए तो केसीआर साहब रंजीत रेड्डी साहब जो जीता है छेवेला से, रंजीत रेड्डी साहब ने फिर मोदी के गोद में बैठा हुआ है, ये कैसा हो सकता। अगर कार के स्टीयरिंग असद भाई के हाथ में होता था और वो अगर असद भाई ने जो कह रहे हैं वो सच है तो टैक्सी चलाने वाले को, पान डब्बा चलाने वाले को, साइकिल पंचर डालने वाले को अगर 10-10 लाख लोग अगर उन लोगों को मिले तो उनका तरक्की बनेगा ना, तरक्की के लिए वो लोग काम कर लेगा। और 2015 में जीएचएमसी इलेक्शन आया था, मैं हमारे माइनॉरिटी भाइयों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, तब हर मुसलमान गलियों में ऑटो ले आकर खड़े करके मुसलमान बहनों को ले जाके दर इस्लाम में लाइन लगवाया, 7 MLA माइनॉरिटी MLA बैठकर उनके लेटरेट के ऊपर दस्तखत कर दे के इलेक्शन होते हैं आपको डबल बेडरूम घर मिलेगा। अभी शब्बीर अन्ना बोले, हमारे असबत भाई बोल रहा, सुधीर कमीशन के हिसाब से 43% कुछ कम 50% मुसलमान भाइयों किराए के घर पे रह रहे। ये लोग सोचे, अरे बहुत सारे दिन हम लोग कांग्रेस पार्टी को वोट दिया और दूसरे पार्टी को दिए, इस बार केसीआर को वोट दिए तो हमको घर मिलेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 7 साल हो गए, इतने भीड़ है, भीड़ में किसी को डबल बेडरूम घर मिला माइनॉरिटी भाइयों को कोई है? नहीं मिले से वाले हाथ उठाओ, फिर सब आते हो नहीं मिले हमारे भाई बहना आपको मिले, बहन आपको मिले क्या घर? नहीं मिले तो हाथ उठाना, फिर इतने सारे लोग हाथ उठा रहे, किसी को ना आपको मिले बहन आपको मिले क्या घर? नहीं मिले तो हाथ उठाना, फिर इतने सारे लोग हाथ उठा रहे, किसी को घर नहीं मिला, किसी को 10 लाख नहीं मिला, किसी घर में किसी बच्चे को नौकरी नहीं मिले, फिर ये पूरा किस लिए हो रहा, ये बेरोजगारी क्यों पहनते जा रहे? केसीआर के वजह से, केसीआर किस लिए बच जा रहे? असद भाई के वजह से। तो जब आप दुश्मन को मारने के लिए हमारे माइनॉरिटी भाई तैयार हो गए तो असद भाई आके बीच में खड़े रह रहे, मगर ये कोई आपको राजनीति में कुछ फायदा होगा? MIM पार्टी और कहीं तरक्की कर रहा होगा हमको पता नहीं, मगर आप लोगों को किसी को घर नहीं मिला, नौकरी नहीं मिला, लोन नहीं मिला, केसीआर को प्रगति भवन 10 एकड़ में घर मिला, सदर साहब को शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर सबसे शानदार महल मिला। दस एकड़ का अंजन भाई बाजू से कह रहे हैं, और 10-15 मुझे तो पता नहीं, पहाड़ के ऊपर तो शानदार महल मिला, पैलेस तो मिला, अच्छा है अपना ही है, वो भी अपना भाई है, उनको पैलेस मिले मिलने दो, और सोना भी मिलने दो, और चांद नहीं क्या बोलते हीरे, जो रंजीत रेड्डी ने जब ट्रिपल तलाक के NRC के सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल आए तो इनके हाथ उठे मोदी के मदद में, इनके आवाज उठे मोदी के मदद में। मैं अब यह सवाल पूछना चाह रहा हूं इस मंच से, हमारे तेलंगाना में जितने भी 40-50 लाख लोग मुसलमान भाई बहनों हैं, मैं उन लोगों को एक सवाल उठाना चाहता हूं, ये सही वक्त पे जब मोदी को मदद देने वाले को आप वोट देने इसके वजह से ये सब हो रहा नहीं हो रहा, आप लोग सोचो, सुकून से सोचो, बच्चे को बाल सबको घर में बिठा के खाना खाने के बाद आप लोग सब आपस में बैठ के बात कर लो, चर्चा करो। मैं इसीलिए मैं हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही गुजारिश है,
अभी हम लोग वोट के लिए ये जलसा नहीं लगाए, हकीकत बोलने के लिए ये जलसा लगाए। किसके वजह से माइनॉरिटी लोगों का नुकसान हो रहा है, किस लोगों के वजह से ये नुकसान अपने को पहुंचा रहा है, किसने पहुंचा रहा है, किसने कर रहा है। मोदी जो नुकसान कर रहा है वो नुकसान पहुंचाने में हिस्सेदार है केसीआर और असद भाई ने। ये केसीआर असद भाई को देखकर नाले में कीड़े जैसा जीना पड़ रहा है। हमारे माइनॉरिटी भाइयों को कम से कम डबल बेडरूम का घर दिलाओ, ये दो नहीं दिलाए तो कम से कम कुछ काम कर लेने के लिए 10 लाख लोन तो भी दिलाओ। फुक्कड़ में नहीं चाहिए आपको, कम से कम लोन दिलाओ। हम मेहनत करके तेरे 10 लाख को और दो मिला के 12 लाख फिर वापस पहुंचा। हम ये नहीं मांग रहे शास्त्रीपुरम पहाड़ के ऊपर जो महल है, महल में एक गज का जगह नहीं मांग रहे। गजवल में जो फार्म हाउस है, 1000 एकड़ में जो केसीआर साहब का फार्म हाउस है, फार्म हाउस में एक इंच का जगह भी नहीं मांग रहे हम लोग। हम लोग उधार भी नहीं मांग रहे, बीत नहीं मांग रहे, हम हक मांग रहे। ये हक के लिए हम लड़ेंगे, हम मरेंगे। मैं आजाद साहब कहने गए तो एक मशवरा दिए, अगर एक राक्षस आधी रात को सब सो गए जब देखकर राज में घुस के लोगों का पूरा लूटना, मारना, खत्म करना, जनता के खून पीना, ये सब सारे वो राज को लूटने में लग गए उन्हों। फिर 2 महीने तक वो दिखता ही नहीं, 2 महीने फिर पहरा, पूरा पहरा कर करके अगर ऐसे अपन सो गए तो फिर दोबारा वो राक्षस आ रहे। तो राजा ने ये किया, पूरे नौजवान बंदों को पूरा तैयारी करे, पूरा अलर्ट किए। 2 महीने के बाद फिर आया राक्षस, ये सब लोग मिलकर राक्षस को पकड़ लिए, झाड़ को बांध दिए, पैर का पर तोड़ दिए, हाथ का हाथ तोड़ दिए, गला काट दिए, सब काट दिए, फिर भी वो नहीं मर रहा। कुछ समझ में नहीं आया राज को, अरे राक्षस को तो हम पकड़ लिए, झाड़ू को बांध दिए, उनका पैर काट दिए, हाथ तोड़ दिए, गला काट दिए, सब का किए, मगर वो तो मर रहा नहीं। तो वो गया हिमालय, एक पंडित जी से मिले। पंडित जी को पूछा कि भाई मेरा राज में ऐसा हो जा रहा है, एक राक्षस ने पूरा मेरा राज को सत्यानाश कर दे रहे, मैं क्या करना। तो वो पूरा जन्म कुंडली देखो राक्षस का। तब वो पंडित जी ने ये कहा, राजा उनको हाथ काटो, पैर काटो, दिल तोड़ो, गर्दन तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, वो क्या करना। तो वो पूरा जन्म कुंडली देखो राक्षस का। तब वो पंडित जी ने ये कहा, राजा उनको हाथ काटो, पैर काटो, दिल तोड़ो, गर्दन तोड़ो, कुछ भी तोड़ो, वो मरने वाले नहीं है, उनका जान है तोते में। वो तोते है 7 समुद्र के पार खाए छुपा के रखा, अगर कोई राक्षस को मारना है तो तोते को मारो। वो सुन लिया, आगे राक्षस कहने नहीं गया। महाराजा सीधा सीधा उनके नौजवान लड़कों को बोले, 7 समुद्र के पार आगे तोता है, तोता को मार दिए तो काम हो जाएगा। ये बंदे सब लोग गए, तोते को उठा के राज में लाए। तब सबके सामने एक एक हाथ पैर ये वो, बाद में गला भी दबा दिए, राक्षस तो मर गए। तो तोते को पकड़ना, अभी मोदी राक्षस है, मोदी का जान तोते में है, वो तोता है केसीआर। अगर आप लोगों को मोदी को मारना है, गद्दे से उतारना है तो तोते को मारो, तोता है केसीआर।
है नहीं आप समझ रहे कार को ओढ़ डाल रहे, मगर कार हैदराबाद गली से निकलकर दिल्ली जाने के बाद मोड़ी घर में घुस रहे लोग। कांग्रेस पार्टी पहले दस्तखत लाल बहादुर स्टेडियम में बनाएंगे अपने सरकार सबके सामने, 4 करोड़ लोगों के सामने ये दस्तखत होगा कांग्रेस पार्टी के ओर से, कोई भी बने चीफ मिनिस्टर, मगर मैं इसका जवाबदारी मैं बनता हूं कांग्रेस पार्टी के तेलंगाना के सदर होते हुए, वो मेरा जिम्मेदारी है क्योंकि मुख्यमंत्री बनने का सब पार्टी निर्णय करेगा, मगर अभी मैं जिम्मेदारी मैं उठा रहा हूं। ये जो माइनॉरिटी स्पेशल बजट में लगाने का और वक्त बोर्ड के जो जुडिशियल पावर्स दे के आपको जो भी प्रॉपर्टी से बचाने का और माइनॉरिटी तरक्की के लिए मैं जिम्मेदारी उठाता हूं। आपके भाई समझकर, आपके दोस्त समझकर, आपके साथी समझकर आप लोग कांग्रेस पार्टी के साथ कदम कदम आगे चलो, ये सब काम करने का जिम्मेदार मैं उठाता हूं यहां से। और हमारे जग्गू दादा तो आपको पता है ना, जग्गा रेड्डी साहब ने इमरान प्रताप गढ़ी के चाहने वाले अच्छा जलसा, पूरा 5 लाख के जलसा बनाने वाले हैं, वजन हमारे जग्गू दादा उठाने वाले हैं। हम लोग सब एक बार हाथ उठा के उनको मदद देना है। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। धन्यवाद मित्रों। घर को पहुंचाना, दिल को पहुंचाना, हर दिल को जागरना, हर आदमी को जाकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो मुसलमान भाइयों का तरक्की बनेगा। उनके पढ़ाई लिखने के लिए जो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ा हुआ है, 10-12% मुसलमान भाइयों को नौकरी मिले तो 20-25 हजार नौकरियां मिलते, 20-25 हजार अपने लड़की लड़कों को अगर नौकरी मिला। मैं शबीर भाई को और यहाँ ऐसो वाले को याद दिलाना चाहता हूँ, श्रीशैलम में जो पावर हाउस जल गए ना, एक मुसलमान लड़की वो पावर हाउस में शहीद हो गए, तो उनके परिवार को हम लोग अच्छे बुरे पूछने के लिए उनके परिवार को मिलने को गए। उनके वाली साहब ने ये कहा, साहब अल्लाह मियां तो लेके गए, मगर मेरा लड़की जो इंजीनियरिंग पढ़ी नौकरी मिली कांग्रेस की वजह से, 4% का रिजर्वेशन देने की वजह से है मेरे घर में दुख, फिर भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी को, मेरा लड़की इंजीनियरिंग फीस रिएम्बर्समेंट के साथ रिजर्वेशन के साथ पढ़ी, मेरा बेटी इंजीनियर बनी कांग्रेस की वजह से, नौकरी मिली कांग्रेस की वजह से, मगर केसीआर के वजह से मेरे लड़की का जान चला गया। हम तरक्की के लिए काम किए तो केसीआर साहब ने अपने जान लेने के लिए कोशिश कर रहे, मजहब को टुकड़े तो घर भी जाने, मेरे कोई दुश्मन नहीं है किसी से, वो मेरा दुश्मन नहीं है, अपना ही भाई है, अपने परिवार के है, मगर थोड़ा बिगड़ा हुआ है बस उतना ही। बिगड़ा हुआ भाई को फिर घर पे ला लेना, क्योंकि वो अपना ही है, कुछ भी हो 2-4 थप्पड़ मारना फिर घर पे ला लेना, होता ही है नहीं। अपने छोटे भाई अगर, अपने बड़े भाई अगर कोई कुछ 19-20 किए तो शबीर भाई जैसे बड़े लोग, बड़े नेता लोग बिठा के हम लोग आपस में लड़ लिए, मैं अगर अजमत लड़ लिए समझो, शबीर भाई जैसे बड़े आदमी बुला के, अरे ऐसा नहीं करना, नहीं नहीं ऐसा बोल के समझा के चलाने के लिए, घर चलाने के लिए बोल देते। अभी इसीलिए मैं सोहेल भाई को ये गुजारिश करना चाहता हूँ इस मंच पे, बहुत शानदार, बहुत दिन के बाद हैदराबाद शहर में कांग्रेस पार्टी और माइनॉरिटी भाइयों का आवाज सुनाने के लिए मौका दिए, ये मौका यहीं छोड़ने का नहीं है, हर जिले में जाना, वो आवाज ऐसे पहुंचाना, हर गली में हर गरीब घर को पहुंचाना, दिल को पहुंचाना, हर दिल को जागरना, हर आदमी को जाकर आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो मुसलमान भाइयों का तरक्की बनेगा। उनके पढ़ाई लिखने के लिए जो 2 लाख नौकरियां खाली पड़ा हुआ है, 10-12% मुसलमान भाइयों को नौकरी मिले तो 20-25 हजार नौकरियां मिलती। Subscribe us and press the bell icon for more interesting updates.